तो दाऊद ये वाली लाइट लेके जा रहा है ऊपर, ये है दाऊद और ये लाइट ऊपर लेके जा रहा है, पावर बैंक के साथ इसने लगा ली है ताकि क्या हो जाए, रोशनी अच्छे से लग जाए। और सैरी क्या कर रही है, तुम क्या कर रही हो? मैं ब्लू कलर का हॉटपॉट ढूंढ रही हूँ, कहाँ है? हॉटपॉट? ओ वो तो छत पे है, हॉटपॉट हमारा पहले से छत पे ही है। आटा मैंने सीखे गूंद लिया था, अब आयशा सीखे लेके जाएगी ऊपर। कटिंग बोर्ड भी ले लो और छुरी भी ले लो, हमें कटिंग बोर्ड भी चाहिए और छुरी भी चाहिए। टिक्के मैंने पहले से मैरिनेट करके रखे हुए थे, पर माशाल्लाह से वैसे तो चीज़ इसमें फ्रीज होती नहीं, कोई ना कोई स्विच बंद कर जाता है फ्रीज़र का, पर आज वो ऐसे जमे हुए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने पहले सारी को बोला था सीखियाँ मैंने ले ली हैं कि जिस दिन हमें किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होगा ना, कोई चीज़ के फ्रीज ना हो, वो तो मस्ट फ्रीज हुई पड़ी होगी फ्रीज़र में। तो ये जब छोटे छोटे हमें टूल्स चाहिए बारबेक्यू के लिए, वो मैं जमा कर रही हूँ। कटिंग बोर्ड भी दो रखो, कटिंग बोर्ड भी, एक छुरी भी, और मैं तो कहती हूँ सही काली भरी छुरी रखो, उससे ना हड्डियाँ भी कट जाती हैं। हर छुरी का अपना अपना अलग अलग काम है, ये छुरी बेचारी है, इससे नहीं इतना मज़े का। ये रखो, नहीं नहीं बड़ी भारी वाली काली छुरी, पर वो चीज़ को गोश्त वगैरह अच्छे से काट लेती है ना। ये छुरी रखो, दिखाऊँ ये छुरी सबसे क्लास क्लास की है, तब गोश्त हड्डी तोड़ सब मज़े का करती है। और ये टिश्यू, और क्या रखना है, बस ये चीज़ें अभी, और ज़रूरत पड़ेंगी तो और मैं रखूँगी। अच्छा। और मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ना जो मैरिनेट किया हुआ चिकन जो भी सब कुछ है वो कहाँ पे उसको नरम नरम कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे उसको मेल्ट कर रही हैं। ये देखें इस तरह से इसे मेल्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो गया है फ्रीज। इसे ऐसे मेल्ट करेंगे तो ही ये फिर ना किस में सीखों पे लग सकेगा। ये इस हीटर का मैं पाइप भी उतार लूँगी, ये मैंने ऊपर चूल्हा सेट करना है तो उस चूल्हे का पाइप नहीं है, तो इस वाले हीटर का उतारूँगी और ये पाइप ऊपर ले जाऊँगी ताकि ऊपर भी हम लोग ना आग लगा सकें। तो ये आग का जो सिस्टम है ये ऑन हो गया, अब ऐसा इसमें हम कोयले ये चीज़ें भी ऊपर आ गई हैं, वो हॉटपॉट है, यहाँ पे पानी था वो साफ कर लिया, और ये लग रही है इसको, मतलब सीखों के लिए किसी को नहीं लग रही। मम्मी हम कह रहा है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। कहाँ चाहिए खाना पीना? आजा आओ खाना दो, आओ आके देख। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है, ये देखिए माशाल्लाह। और हम करेंगे टिक्का पार्टी, ये सारा व्यू भी ऐसा ही है। तो ये इतना रो रहा था, मैंने इसे दिया खाने के लिए और इसने मुझे मारा था स्टोर में बैठ के। साथ साथ सर्दी इंजॉय कर रहे थे हम लोग, और किशमिश खा रही थी मैं, काम कर रही थी माँ जान। तो ये पाइप उतार ली है, हम इसे ऊपर जाके चूल्हे के साथ लगाते हैं और ऊपर ही रोटियां बनाएंगे। तो ये इधर पाइप लग जाएगा और यहाँ से ऊपर पाइप चला गया। तो ये सब्जियों के लिए, ये क्यों ले रही हो प्याज और आलू? ये इसमें लगाएंगे ना एक दो ये। अच्छा हाँ, तो ये हमने प्याज और आलू एक ले लिया, तो हमने वाल यहाँ पे पाइप लगा ली अभी। अभी आराम से क्या हो जाएगा, हाँ गैस चली जाएगी ऊपर। और ये है बिल्ले की प्लेट,
उसको भी मैंने खाना खिलाया था और फिर से खाना मांग रहा है। हमने से थोड़ा सा दूध दे दूँ ताकि दूध पी ले वो। और अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम छत पे रात के टाइम बना रहे हैं कुछ टिके वगैरह, तो बच्चों ने कहा कि आए ऊपर चलते हैं, तो मैंने भी कहा चले आए। आग शाग लगाते हैं लकड़ियों को तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए अब आग लग चुकी है, इसके हमने कोयले बनाने हैं। कोयलों के लिए ये है कि ज़रा मोटी लकड़ी हो ना तो उससे ज़बरदस्त आग बनती है, कोयले बनते हैं। हमने कोयलों को आग नहीं लगाई, लकड़ियों के कोयले बना के उस पे हम सीखे वगैरह बनाएंगे। तो जी अल्लाह का शुक्र है, सीखें लगनी स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ बहुत बड़ी थी, उनको कट करके छोटा कर दिया हम लोगों ने ताकि जल्दी जल्दी पक जाएं। और बना मामा रही थी, मामा से आगे कौन है, माँ जी ग्रेट। ये आग भी सारी मम्मा ने लगाई थी। और अब रोटी बनना स्टार्ट हो गई थी, हम लोगों ने कहा ऊपर ही गरम गरम रोटी बनाते हैं और साथ ही सीखे बन जाएगी तो डिनर हमारा रेडी हो जाएगा। सो आयशा जी रोटियां बना रही थी और सब अपना अपना काम कर रहे थे। और असीम ने सबसे मुश्किल काम ये किया कि उसने तिक्कों के ऊपर ना ये देखें ऑयल लगा रहा था। मम्मा रुके मैं आपको बताता हूँ ऐसे ऐसे करके लगाएं। तो जी सिर्फ असीम ने ये काम किया था। तो जी साथ ही गर्मा गर्म रोटी बन रही थी, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग डिनर ऊपर ही कर लें, पर सच्ची बोलूँ हमारी कुल्फी बन रही थी। हम लोगों ने कहा नहीं नीचे जाके खाएंगे हीटर के आगे बैठ के, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के रेडी हो चुके थे, ये देखें प्रोफेशनल तरीके से माजन जो है ना टिक्के डाल रही थी हॉट पॉट में ताकि गर्म रहे, और ये मिनटों में ठंडे हो रहे थे, मिनटों में। तो जी दाऊद मजाक उड़ाए बगैर तो रह नहीं सकता, इतने मजे की हम लोग बातें कर रहे थे। पर जहां दाऊद मेरे साथ बैठा हो ना वहां पे मैं कहती हूँ कोई बंदा बच नहीं सकता, इतना ये ना मजाक उड़ाता है। ऊपर से बस तंग कर रहा था मुझे, फिर मैंने कहा बच्चों मैं भी वॉइस को साइलेंट कर दूंगी और अपनी वॉइस अलग से डाल दूंगी। तो जी कोयले दहक रहे थे, मौसम बहुत ठंडा था, सर्दियों की सर्द रातें थीं और हम छत पे बैठ के टिक्के बना रहे थे और हम हॉटपॉट में से चोरी करके भी खा रहे थे। तो जी ये हम लोगों का वीक में या टू वीक्स में एक दफ़ा हम लोग इस तरह का काम ज़रूर करते हैं, खुद भी खुश हो जाते हैं और अच्छा अच्छी रात भी गुजर जाती है और आधी रात को भूख भी नहीं लगती। सबसे सबसे ज़रूरी बात ये कि जो आधी रात को भूख लगती है ना वो वाला सिस्टम इस दिन नहीं होता। और टिक्के खा के सो, उफ जो गर्मी, हम लोग इतनी ठंड थी टिक्के खाए तो बॉडी टेम्परेचर बराबर हो गया था हमारा। तो जी हमारी रोटियां भी तैयार हो चुकी हैं, ये लास्ट रोटी है हमारी और टिक्के भी लग चुके हैं सारे के सारे, बस वो भी रेडी होने वाले हैं। गर्मा गर्म रोटी, गर्मा गर्म टिक्के, रायता, साथ में कोक, और व्हाई नॉट मेरी जान, आ जाओ खा लो।